सर्दी में इजाफा है, महंगाई भी जोरों पर है। लंडा बाजार से खरीदारी भी काफी मुश्किल हो गई है। जर्सियां, स्वेटर, जूते, हर शह महंगी है। मजीद तफसीलात जानेंगे सरफराज खान से। जी सरफराज, बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है, लंडे बाज़ार की रौनकें बहाल हो जाती हैं। लेकिन लंडे बाज़ार का रुख करने वाले शहरी हमेशा से यही शिकवा करते हैं कि यहाँ पे जो है वो आम बाज़ारों की नस्बत सस्ता होना चाहिए, लेकिन आम बाज़ारों की नस्बत आज भी यहाँ पे जो है वो महंगा ही सामान मिल रहा है। जैकेट हो, शूज़ हो या कोई और चीज़ हो। ये शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ बात करते हैं। आप कब से यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं और आप देख रहे हैं कितनी महंगाई हुई है अभी तक यहाँ पे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले इतवार भी आया सी, मगर महंगाई का हिसाब है कि जो चीज़ सोच के आए थे ना कि लंडे वो मिल जाएगी 200 रुपए की, 150 रुपए की। मेरा एक अजीज़ भी आया है कामों की, तो वो भी ऐसी चक्कर च आया कि यार लंडे चलिए, चलो लंडो लंडे के यानी कि 150-200-300 की चीज़ मिल जाएगी, मगर जी चीज़ वेखने उनका मांगते हैं 1000 रुपया, 1200 रुपया, 800 रुपया। वो भी खान साहब को पूछने जा रहा है कि गल, कहते हूँ पिछों यानी कि सानू भी ज़्यादा महंगा आंदा माल डॉलर के रेट के, डॉलर जिते चला गया वो वजह नाल यह भी महंगाई है। जी जैसे कि आपने इनकी बात सुनी कि लंडा जो है वो कुव्वत बर्दाश्त से बाहर होता चला जा रहा है शहरियों के, और इनका कहना है कि जो चीज़ जो है वो 300-400 से मिल जाती थी वो आज उन्हीं चीज़ों की कीमत जो है वो 1000 रुपये तक जा रही है। जैकेट हो, शूज़ हो या कोई और चीज़ हो, लंडे बाज़ार में आज जो है वो महंगाई देखी जा रही है और शहरियों ने आज रुख किया है बड़ी तादाद में। बहुत शुक्रिया।